हेलो सी यू टी एस फ्रेंड्स, तो कैसे हूँ सभी लोग। सर दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा क्वारी जा रही है, स्टूडेंट्स ने परेशान कर रखा है, स्पेशली जो पीजी कैंडिडेट हैं कि भैया जो है क्यों ये एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं कर रहे हैं। आखिरकार हमारा एमबीए का, एमसीए का, पीजी का, एमसीए, एमजीडीए एंड जस्ट लाइक फार्मेसी एंड अदर अदर का एप्लीकेशन फॉर्म क्यों नहीं लॉन्च हो रहा। अगर लॉन्च होगा तो कहाँ पर होगा, कब होगा, कब एंट्रेंस एग्जाम होगा, क्या सारा प्रोसेस रहेगा और क्यों आखिरकार इतना लेट किया जा रहा है। अगर यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया गया देन पीजी का क्यों नहीं किया जा रहा है, और कब तक किया जाएगा, और कहां पे किया जाएगा, और क्या रहेगा उसका वेबसाइट, तो चलिए देख लेते हैं आज हम। राइट सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप देख सकते हैं सन 2020 के अंदर जैसे न्यू प्रोसेस आया सीयूईटी का, राइट, एंड सीयूईटी का न्यू प्रोसेस आया तो वहां पे जो है कुछ अजीब अजीब अजूबे चीज आपको देखने को मिल रही होगी। जैसा कि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस, लोकल आज के कॉलेजेस मुंह उठा के चले आए हैं, ठीक है, वर्ल्ड आके पार्टिसिपेट कर लिया है, राइट, लेकिन उनकी रियलिटी मैंने हमने आपको पहले ही बता दी है, राइट, क्योंकि जो जैसा कि आप सी यू ई टी के अंदर देख सकते हैं इतने साल सी यू सी ई टी होता था तो उसमें मैक्सिमम क्या होता था, मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करते थे, देन वन तीन से चार जो है स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। इस बार क्या हो रहा है, इस बार जो है सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, उसके साथ में स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज भी आ गए, उसके साथ डीम्ड यूनिवर्सिटी भी आ गए, उसके साथ कुछ प्राइवेट कॉलेज भी आ गए, राइट। सो प्राइवेट कॉलेज वालों ने क्या किया, उन्होंने मौका उठाया, उनका जस्ट जो है एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट बिल्कुल जीरो हो गया, फ्री कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट हो गया, और सीयूईटी में सिलेक्शन रेशियो 1% होता है, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 0.0% सिलेक्शन रेशियो होता है। तो प्राइवेट कॉलेज वालों ने दिमाग लगाया कि भैया जो सीयूईटी वाले बच्चे हैं उनके पास और कोई ऑप्शन तो होता नहीं है, हमारा नाम उनके सामने सामने दिखेगा देन वो हमसे डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे, राइट। सो हमारा क्या जा रहा है, जाके एनटीए के पास गए और सीयूईटी स्मार्ट रिड्यू डॉट इन के पास गए कि भैया हमें भी आपका टेस्ट लेके जो है बच्चों को एडमिशन कराना है। वो जो अपना सेंटर कंडक्ट कराते थे, एग्जामिनेशन कराते थे, बच्चे देने नहीं आते थे, वो सारा झंझट ही खत्म। सीयूईटी का एक एग्जाम हो रहा है, प्राइवेट वालों को भी फायदा हो गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ये सारा दिमाग लगाया और अपनी सीटें भरने के लिए सारा का सारा चीन कर रहे हैं। तो वैसे ही जो है सारा का सारा प्रोसेस होने वाला है पीजी प्रोग्राम के लिए। सीयूईटी को भी हालांकि ये सब कुछ देखने को मिल रहा है और हमारे जैसे कुछ खतरनाक लोगों को सुनने को मिल रहा है कि भैया ये जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं जो कहाँ कहाँ से उठ के सीयूईटी में पार्टिसिपेट कर लिया है, हालांकि बहुत बुरे कॉलेजेज भी आए हैं सीयूईटी प्राइवेट डिपार्टमेंट के अंदर, तो वैसे ही जो है आप देख सकते हो एमबीए के अंदर और पीजी प्रोग्राम के अंदर भी आएंगे। जस्ट लाइक कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, उसकी डिटेल डिस्कशन चल रही है। जैसा कि हालांकि कुछ इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप अगर ऑफिशियल वेबसाइट्स पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे विजिट करें तो जैसा कि कुछ यूनिवर्सिटीज है जैसे डीयूईटी कंडक्ट हो रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, राइट, बीएचयू एंड अदर दिल्ली के जो कॉलेजेज हैं वो हालांकि अपने अपने पोर्टल पर डायरेक्ट अपना खुद का जो है विंडो टेस्ट करा रहे हैं। सो हो सकता है कोई कॉलेजेस करा ले, कोई कोई ना कराए। सो जस्ट इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि कुछ प्राइवेट कॉलेज भी पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज भी करेंगे, कुछ गवर्नमेंट टाइप भी करेंगे, कुछ नॉन गवर्नमेंट भी करेंगे। सो इन सब कार्यों को लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एंड यार दिस इज़ वेरी बैड थिंग कि कुछ प्राइवेट कॉलेज जो है यहाँ पे आके बच्चों का सारा हरदम बर्बाद करके रख दिया है। और अगर यूजी प्रोग्राम के अंदर तो कुछ ऐसे कॉलेज आएँ, लोकल कॉलेज आएँ जहाँ पे कोई जाना तक नहीं चाहता, ठीक है, एक दो कॉलेजेस तो ऐसे हैं जहाँ पे अगर आप कहीं पे सर्च करें तो गूगल भी बोल देता है वर्ड्स में दिस इज़ फेक कॉलेज, राइट। सो ये सारा का सारा सीन है, तो आप इनसे सावधान रहे पीजी वालों। तुमने यूजी तो ऑलरेडी कर लिया है तो पीजी करना चाहते हो क्या, तो इन सबसे सावधान रहो, सतर्क रहो। धन्यवाद, खूब पढ़ते रहो, छोटों से प्यार करो, बड़ों का सम्मान करो। थैंक यू।